गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं तैयार होके हॉस्पिटल सुबह सुबह निकल रही थी इस तरीके से लेके, और यहाँ पे गेट पे ताला लगा हुआ है, किसी ने लगाया है। चाबी तो है सबके पास, खोल के अपना जा सकता है। वो मम्मी से भी चाबी लेते जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दरवाजे पे कि 10 बजे के बाद एंट्री नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आते हैं 12 बजे तक, काम करने वाले जो भी हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो वो ज़्यादातर अपना जॉब रात में ही करते रहते हैं, तो आते जाते रहते हैं। तो वैसे मतलब आते जाते हैं तब पता चलता है, वरना इतना पता नहीं चलता। और रही बात मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में हम लोगों को इतना काम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं जा रही हूँ और मैं दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर दूँगी, बाहर से बंद, लॉक नहीं करूँगी, ऐसे ही बस बंद कर दूँगी। और मम्मी ने कहा था कि आज कढ़ी बनाएंगी तो छाछ दे देना और दही दे देना। तो मैंने कहा छाछ मांगी थी, मैंने कहा दही भी खरीद लेती हूँ, छाछ भी खरीद लेती हूँ और देखती हूँ, दोनों ही मिला के बना लेंगी। छाछ से कैसे बनता है मेरे को तो नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए, अंकल जी नोट चिपका रहे थे। मैंने कहा अंकल जी कोई चिपका दिया क्या आपको? बोले कि नहीं, ये दूध वाला यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि किस चीज़ का है, तो वो बोल रहे थे कि ये ना आइसक्रीम का चम्मच है। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे मैंने एक दही ली थी, फिर मैंने कहा कि 2 डिब्बी ले लेती हूँ, छोटा वाला डिब्बा एक बार खोलो और खाओ ख़त्म करो। बड़ा डिब्बा मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, पैकेट वाला थोड़ा सा ना उसमें घी ज़्यादा में रहता है, मलाई ज़्यादा रहता है और ये हल्का पड़ता है, तो मैं यही लेती हूँ। और गाय का दूध लेती हूँ, जीरे वाला छाछ लेती हूँ, मसाले वाला जब भी कभी पीना होता है तो। और इस तरीके से देखिए ले लिया है मैंने। फिर मम्मी से मैंने कहा पैकेट नीचे लटका देना, मैं ऊपर नहीं आऊँगी। तो पैकेट नीचे लटका दिए हैं छोला, तो इसमें मैं डाल दूँगी और चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। देखते हैं क्या होता है, टाइम कितना हो रहा है, 8:30। टेन जीरोक्स करवाना बाकी है, वही भूल गई मैं, मेरे दिमाग से उतर गया, तो जा रही हूँ वही करवाने। लिफ्ट 0 पे ही रुकी हुई है, चलते हैं ये वाला लिफ्ट देखते हैं। 5 पे आ रही है। जाना पड़ेगा उस तरफ जीरोक्स करवा दे। चलो फटाफट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इमरजेंसी में जिसके पेशेंट एडमिट हैं वो भी हैं, और नया कार्ड जो बनता है वो भी हैं। तो इस तरीके से ढेर सारा भीड़ लगा हुआ था। एक तो मंडे का टाइम था तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। मैंने कहा फटाफट इधर ही से निकल लो। मास्क लेना भूल गई थी मैं यार, वह मास्क मुझे चाहिए था, कोविड आ रहा है, डर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जीरोक्स वाले भैया के यहाँ पहुँच गई थी लिफ्ट लेके, फाइनली चल फिर के भाई इस पार से उस पार मेट्रो के अंदर से। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट जीरोक्स करवाया और मैंने कहा चलती हूँ जमा कर देती हूँ। फाइनली यहाँ फॉर्म जमा हो गया, जा रही हूँ मैं घर। फटाफट चलते हैं, बस पकड़ते हैं, निकलते हैं। अब मिलती हूँ आपसे घर पे, क्योंकि क्या वही डेली डेली दिखाऊँ, इसीलिए नहीं दिखाती मैं। चलिए फटाफट चलते हैं।
आप एम्स से बाहर निकलेंगे तो आपको फाइल मिलेगी 10 से लेके 50 तक, और फिर टाफियाँ मिलेंगी, छोटे छोटे हाजमोले मिलेंगे, 10-10 रुपये के पैकेट, यही सब मास्क मिलेंगे, पेन मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चों के सामान जो लोग लेते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे आजकल खीरा बड़ा मिल रहा है, क्योंकि खीरा ठंडा रख रहा है, धूप काफ़ी हो रही है, गर्मी काफ़ी हो रही है, और आइसक्रीम वाले भैया खड़े रहते हैं वहीं पे, 2 रुपए का पानी पिलाने वाले भैया भी खड़े रहते हैं, तो ढेर सारा राम लड्डू भी खड़ा रहता है, लेकिन इसमें से कोई भी मैं नहीं खा सकती। हाँ, मेरा कभी मन करता है तो मैं आइसक्रीम लेके खा लेती हूँ, और यही है, यहाँ पे बैठ के कोई समोसा खा रहा है, कोई ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर कंट्रोल करती हूँ, कहती हूँ नहीं नहीं आइसक्रीम बस बहुत है। पानी पिया था, ठंडा होता है, ऐसे ही पिया था। मैं खाना वाना खा ली हूँ, और पता नहीं क्यों आँखों में बहुत जलन हो रही है, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो लूँ, क्योंकि थकान लग रही है, आँखों से पानी बहुत गिर रहा है, पता नहीं क्यों जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। वीडियो पब्लिक करना है, प्लस मम्मी की दवाई देखनी है मिल जाए तो, और बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसको करके तभी सो सकती हूँ। कुछ पार्सल आने को हैं, चलो गाइस थोड़ा सा सो लेती हूँ ना, थोड़ा बहुत नींद आएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं रो रही हूँ, रो नहीं रही हूँ, पर हाँ आप लोग पूछेंगे कि क्या हुआ हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में एक मिनट ब्राइटनेस कम है, हाँ तो हॉस्पिटल में उन्होंने फॉर्म तो जमा कर लिया, आज भी तो ना जैसे बकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक नर्स थी, उस दिन मैंने बात किया था उससे, मैंने कहा मैं आऊँगी आप प्लीज़ जमा कर देना, मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने बोला था मंडे को
8 बजे आना मैं कर दूँगी। तो मैंने उसी से बात किया तो उसने बोला कि फॉर्म एडमिट कार्ड का फॉर्म एडमिट कार्ड फॉर्म भर लो और ये सब चीज़ें कर लो तो जमा होता है। और एक दिन ये सारी प्रोसेस मेरे से करवाई गई थी और वो एक नर्स है, मतलब मैं उसको बोलना नहीं चाहती, कुछ लोग चीज़ें आराम से हो सकती हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते, काम चोर है वो। तो उसने क्या किया कि उसने मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया, रख लिया, बोले इसको रखो लेके नहीं जा सकते और जाओ आना 4-5 दिन बाद, ऐसे बोल के उसने मुझे भेज दिया। और आज वही काम हुआ है और उस नर्स ने जमा किया है, डॉक्टर ने अटेंड किया है, देखा है, डॉक्टर ने सब किया लेकिन उसने जमा नहीं किया उस नर्स ने। और इतना दिन 10 दिन का लेट हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता उसको घर से पैसे देने थे क्या देने थे कि इतना दौड़ाने का, मेरी क्या दुश्मनी थी। लेकिन कुछ लोग होते ही हैं दुष्ट, कहते हैं ना दुष्ट होते हैं, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, अब वो दुष्ट है। मैं देखती हूँ इधर उधर करती है, और ऐसा भी नहीं है कि एज नहीं है, 40-45 साल की है, इधर उधर करती है, टाइम पास करती है, काम चोर है। तो ऐसे लोग को गालियाँ ही निकलती हैं, लेकिन गाली क्या देना, बस यही कहना कि दुष्ट होते हैं ऐसे लोग, जो ऐसी कंडीशन देख के भी लोगों की ना प्रॉब्लम नहीं समझते। तो मैंने उससे बात किया, उस नर्स से उसने जमा कर लिया, वो अच्छे से बात कर रही थी और सब भी नर्स पूछने पे अच्छे से बात कर रही थी। वहाँ पे खड़ी हो जाओ तो वो चिल्लाती है, एक होते हैं ना कि इरिटेट टाइप के, तो मेरे को समझ में आता चलो एक दिन प्रॉब्लम है इरिटेट हो, तो जब भी उसके पास जाओ ना वो इरिटेट रहती है, चिल्लाती रहती है, ये बाहर जाओ ये करो, ये खड़ी है, इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे और चीज़ें पूछनी है, मैं खड़ी हूँ। बदतमीज होती हैं ऐसी, मेरे को मन करता है कि मैं जम के खींच के तमाचा दे दूँ या फिर अच्छे से सुना दूँ, लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि मैं नहीं बोलती, मैंने कहती हूँ जाने दो, यहाँ पे मेरा काम है और मेरे को नहीं वो करना, क्योंकि मैं एडमिट भी होंगी तो वो वहाँ पर रहेगी और दुश्मनी निकाले, कुछ मेरे साथ गलत करे, मैं नहीं चाहती, तो इसलिए मैं इग्नोर बस करती उसको। और शायद आप लोग कमेंट में मेरे बारे में गलत लिखे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, लेकिन आप समझ रहे हो मेरी कंडीशन देख रहे हो, इतना दौड़ाने का, फिर फॉर्म नहीं जमा करने का, फिर 10 दिन बाद वही चीज़ें फिर करवाने का मेरे से, वो फॉर्म जमा करने का क्या मतलब है यार। चलो भगवान की दुआ से फाइनली आज हो गया, सबसे बड़ी बात है, और देखते हैं 3-4 दिन में, बोला है कि पता करते रहना आ जाएगा तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेना ऑपरेशन का, तो देखते हैं कि अब क्या होता है, जैसा होगा आपको बताएंगे। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।